चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म में जो रे ऑफ लाइट होती है जो कि गमन करती है वह किस तरह से गमन करती है, और इसमें मुख्य मुख्य क्या फैक्टर होते हैं जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष यह देखा जा रहा है CBSE हो या वह अन्य स्टेट बोर्ड हो, तो उसमें प्रिज्म का सवाल निश्चित रूपेण रहता है, चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वह शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो। तो चलिए आज हम देखते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक, दिस इज रोशन सर, योर फिजिक्स टीचर। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म का थोड़ा सा चर्चा क्लास 10th में भी हुआ था, लेकिन वहाँ पर क्लास 10th में आप लोग प्रिज्म के बारे में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% ही पढ़े होंगे। उसका टोटल डीपली नॉलेज आप लोग को क्लास 12th में मिलेगा, क्योंकि क्लास 12th में बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन है प्रिज्म का जो कि पूछा जाता है, उसके बारे में अबाउट में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या होता है, किस तरह से होता है। तो चलिए प्रिज्म, यदि सिंपल से हम डेफिनेशन देखें तो प्रिज्म कहते किसे हैं, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, प्रिज्म एक ग्लास का एक स्लैब होता है, एक टुकड़ा होता है जिसमें कि तीन एंगल होते हैं, अलग अलग तीन एंगल होते हैं। इसका हम डेफिनेशन भी लिखते हैं। तो प्रिज्म हम बोलेंगे किसको, तो हम लिखेंगे ए प्रिज्म इज ए सॉलिड सॉलिड होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम रिफ्रैक्टिव मीडियम, ठीक है, बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस। इंक्लाइंडेड एट एन एंगल, हाँ। तो अभी हम देखें क्या प्रिज्म जो है, प्रिज्म एक सॉलिड का बना होता है, और होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है कि प्रिज्म के हर हिस्सों में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह सब जगह बराबर होगी, उसी को हम होमोजीनियस का नाम दें। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब इससे लाइट गमन कर सकती है। रिफ्रैक्टिव मीडियम, रिफ्रैक्टिव मीडियम का मतलब है कि इसमें यदि रे गमन करती है तो उस समय में आपको कुछ रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस, यहाँ पर दो सतह इस तरह से बाउंड किया रहता है और एक एंगल, निश्चित एंगल पर यह झुका हुआ रहता है। चलिए आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और प्रिज्म को समझते हैं कि प्रिज्म में बेसिकली क्या क्या पॉइंट होती है जो कि आगे के सवाल में आपको काम आएगा। देखिए जनरली हम प्रिज्म को इस तरह से डायग्राम खींचा जाता है, यहाँ पर प्रिज्म है, इस तरह से डायग्राम खींचा जाता है। यदि हम इसको 3D शेप देना चाहें तो हम 3D भी दे सकते हैं। इस तरीका से, लेकिन जो हम लोग नॉर्मली जो जनरली सवाल बनाते हैं तो इस तरह से हम लोग सवाल नहीं बनाते हैं। हाँ, समझने के लिए जरूर है कि हम इस तरह का शेप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रिज्म इस तरीका से होता होगा, लेकिन जो हम इसमें रे डायग्राम खींचेंगे तो उसमें से एक सिंपल सा एक ट्राइंगल बना देते हैं और इसको हम लोग समझते हैं कि यह 3D में है और इसी में हम लोग रे डायग्राम खींचते हैं। तो प्रिज्म में जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो होता है आपका, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि प्रिज्म में डेविएशन एंगल क्या होता है, प्रिज्म का एंगल क्या होता है। प्रिज्म में आपको स्नेल्स लॉ लगा करके इसका रिफ्रैक्टिव मीडियम का एक वैल्यू निकालना पड़ता है कि इसमें क्या वैल्यू होता होगा। तो चलिए, तो हम धीरे धीरे अब आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रिज्म के कुछ सवाल पर जो इसमें सवाल अधिकतर पूछा जाता है। तो हम एक पहले प्रिज्म बना लेते हैं, उसके बाद आगे का कैलकुलेशन भी देखेंगे। यह रहा प्रिज्म, प्रिज्म के जो सबसे ऊपरी सिरे पर होता है वह प्रिज्म का एंगल होता है जिसे कि हम ए से डिनोट करते हैं।
कभी कभी इस यदि हम इस प्रिज्म को पलट दें तो यह एंगल यहाँ पर भी आ जाता है, और यदि इसको इस तरह से पलट दें तो यह एंगल यहाँ पर भी आ जाता है। तो चलिए हम इसमें रे डायग्राम खींचते हैं, और रे डायग्राम की सहायता से हम निकालेंगे कि प्रिज्म का डेविएशन एंगल क्या होता है, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह रहा प्रिज्म का दो सतह जो कि एक किसी एंगल पर झुका हुआ है। इधर से हम एक रे डायग्राम खींचते हैं, ये रहा आपका रे डायग्राम। यदि कोई किरणें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या खोजा जाएगा, यहाँ पर एक नॉर्मल खोजा जाता है। तो चलिए तो हम इसको करते हैं क्या, एक नॉर्मल दे देते हैं, यह रहा नॉर्मल। उसके बाद चूंकि आप जान रहे हैं कि अंदर का मीडियम अलग है और बाहर का मीडियम अलग है, हम बाहर में लिख भी सकते हैं कि बाहर में क्या है, एयर है, और अंदर में क्या, यह बना होगा ग्लास का। तो यहाँ पर जिस तरह से रे आती है तो आपको एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा, तो नॉर्मल तो हम खींच दिए। उसके बाद देखिए किरण को जाना चाहिए इधर, यदि मीडियम नहीं होता तो किरणें सीधे चली जाती, लेकिन अब है क्या, यदि कोई किरण रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट्स बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, यह क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। ये रहा इसका जाता इधर से, लेकिन अब क्या होगा, यह बेंड नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो यह बेंड कर गया। उसके बाद फिर इसको मिला दूसरा सतह, जैसे ही इसको दूसरा सतह मिलेगा तो फिर तो यह एक नॉर्मल खोजा जाएगा यहाँ पर, तो इस सतह पर भी हम नॉर्मल दे देते हैं, नॉर्मल दे दिए। अब क्या होगा, क्योंकि अब जो रे जाएगी वह जाएगी डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यह इधर झुक जाएगी। आप देख सकते हैं एक यह हुआ इंसिडेंस रे, इसको हम बोल सकते हैं इंसिडेंस रे, यह हुआ इंसिडेंस, और इसे हम बोल सकते हैं इमर्जेंट, यह हुआ इमर्जेंट रे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका एक डेविएशन एंगल क्या होता है। तो डेविएशन एंगल का जो डेफिनेशन होता है वो होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे। तो यहाँ पर आपको इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक एंगल निकालना पड़ेगा कि वह कितना एंगल पर डेविएट हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम निकालना चाहें, ये रहा आपका इंसिडेंस और ये रहा इमर्जेंट, तो इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो एंगल है यहाँ पर, जिसको कि हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम डेल्टा से डिनोट कर दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ से जो किरणें जा रही थी इसको हम बोलेंगे एंगल आई, तो इसको बोल सकते हैं एंगल आर। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्या, चूंकि दो सतह है, इधर एक पहला सतह और इधर दूसरा सतह, इसको हम आई वन बोलेंगे और इसको आर वन बोलेंगे। सेम इसी तरह से यदि इधर से भी गुजरती प्रकाश तो इधर भी हम देते आई वन और आर वन, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि दो जगह इंसिडेंस हो रहा था, यहाँ पर हम बोलेंगे आई टू और यहाँ पर बोलेंगे आर टू। अब देखते हैं यह एंगल जो है, यह एंगल क्या होगा और यह एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह टोटल एंगल आई है, आई में आर वन गया, यह टोटल एंगल आई, यदि यह आई तो ये टोटल आई, यह आई तो यह टोटल आई, आई वन में चला गया आर वन, तो यह आज हो जाएगा आपका आई वन माइनस आर वन। उसी तरह यदि यह आई टू तो यह टोटल आई टू, और टोटल आई टू में गया आपका आर टू, तो यह एंगल हो जाएगा आई टू माइनस आर टू। ठीक है, और इस एंगल को हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर जो एंगल है इसको हम क्या मानेंगे, देखिए इस एंगल को हम क्या मानेंगे, चूँकि यह आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में है R1 R2, तो यह एंगल कितना, तो हम कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस कुछ भी मान लेते हैं, इस एंगल को X मान लेते हैं। तो ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वन होता है, वह होता है 180 डिग्री। तो X इक्वल टू 180 माइनस R1 माइनस R2, तो इसका मतलब यह जो एंगल है, यह एंगल इसको आप लिख सकते हैं, यह एंगल है 180 माइनस R1 माइनस R2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पे कुछ नाम भी रख देते हैं, इसका हम रख देते हैं M, इसका रख देते हैं N, यहाँ पर रख देते हैं O और यहाँ पर रख देते हैं P। तो चलते हैं अब आगे देखते हैं कि डेविएशन एंगल इसका होगा क्या। डेविएशन एंगल आप लोग जान रहे होंगे कि
एक होता है इंसिडेंस रे और एक होता है इमर्जेंट रे, तो उसके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग डेविएशन एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम सवाल को थोड़ा सा आगे लेकर के चलें, यदि हमको बोला जाए कि डेविएशन एंगल प्रिज्म का क्या है, तो यहाँ पर जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं ट्राइंगल ओ एन पी में, तो हम चलेंगे इन ट्राइंगल एम एन पी में। तो चलिए इस रे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि डेल्टा जो है यह डेल्टा इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हम लोग क्लास नाइन्थ में भी पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स का है। अब यहाँ पे क्या होता है एक्सटर्नल एंगल, तो एक थ्योरम हुआ करता था, द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। तो इसका मतलब यह जो एंगल आप देख रहे हैं यह सम होगा इस एंगल के और इसके एंगल के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू आई वन माइनस आर वन, उसके बाद प्लस आई टू माइनस आर टू। ये हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि यह क्या है ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू इस दोनों एंगल को हम जोड़ देंगे। तो डेल्टा इक्वल टू आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू। थोड़ा सा हम ब्रैकेट को खोल देते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम अलग अलग कर लेते हैं, इसको I1 प्लस I2 तो लिख सकते हैं और इस दोनों R1 और R2 से माइनस को ले लेते हैं कॉमन, तो R1 प्लस R2। तो यह जो इक्वेशन हमको निकला इसको हम थोड़ा देर के लिए घेर करके रख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे यदि चलेंगे इस हिस्से में तो हम यह देख रहे हैं कि यह जो डॉट लाइन बना हुआ है यह इस सरफेस पे 90 डिग्री है और यह भी जो नॉर्मल है यह इस सरफेस पर 90 डिग्री है। अब यहाँ पे यदि हम देखें इसका जो वैल्यू है, यदि हम इसको रे डायग्राम अलग से खींचें तो आपका जो यह सरफेस है इस तरीका से और यहाँ पर जो नॉर्मल के साथ बना हुआ है यह 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री। यदि यह दोनों 90 डिग्री होगा, इसका सम हुआ 180, तो साधारण सी बात है इन दोनों का भी सम होगा 180 होगा। तो चलते हैं यहाँ से भी अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन देखते हैं, चूँकि यह दोनों 90 तो सम इसका और इसका सम 180 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस ये वाला एंगल, तो ये इसका वैल्यू कितना है 180 माइनस आर वन माइनस आर टू इक्वल टू कितना होगा 180, दोनों का सम 180, तो हम लिख सकते हैं 180। तो अब देखिए ए माइनस आर वन माइनस आर टू इक्वल टू 180, इसको इस पार करें तो माइनस 180, ठीक है 180 वन माइनस 180 जीरो, आर वन माइनस आर टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इस दोनों को R1 और R2 को उस पार हम भेज सकते हैं आराम से, तो A इक्वल टू R1 प्लस R2, तो A इक्वल टू निकल गया अपना क्या R1 प्लस R2। अब जो हम एक इक्वेशन यहाँ पर मान करके रखे हैं, क्या हम यहाँ पे R1 प्लस R2 का वैल्यू A नहीं रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, तो बोलेंगे क्या पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ आर वन प्लस आर टू इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि डेल्टा इक्वल टू होता है आई वन प्लस आई टू, आर वन प्लस आर टू का वैल्यू होता है ए, तो लिखेंगे माइनस ए। तो यह भी एक इक्वेशन को रख लेते हैं, यह इक्वेशन है आपका दो, हम डेविएशन एंगल निकालने जा रहे हैं। तो देखिए जब भी कहीं रिफ्रैक्शन होता है तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीका से स्नेल का नियम रख सकते हैं, ध्यान देना जब भी कहीं रिफ्रैक्शन होता है तो वहाँ पर हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है स्नेल का नियम उसको हम रख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे स्नेल का नियम रखते हैं यहाँ पर, तो स्नेल का नियम क्या होता है, तो बोलेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ,
फ्रॉम स्नेल्स लॉ। और स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। म्यू आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा दो बार हो रहा है, एक इस सतह पर और एक इस सतह पे। दोनों सतह के लिए हमको अलग अलग लगाना पड़ेगा, आई वन और आई टू के लिए, उसके बाद आर वन और आर टू के लिए। चलते हैं, इधर आप लोग लिख सकते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे यदि हम स्नेल का नियम रखते हैं तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। अब है क्या, क्योंकि यहाँ पर जो हम रखेंगे आई वन और आर टू, आर वन का वैल्यू, तो हम बोलेंगे साइन आई वन अपॉन साइन आर वन इक्वल टू म्यू। देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो इस प्रिज्म में एंगल बना है आई वन और आई टू, यह आपका बहुत छोटा कोण होता है। यदि छोटा कोण हो तो हम यहाँ लिख भी देंगे, हियर एंगल आई वन एंड एंगल आर वन वेरी वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल। यदि स्मॉल एंगल होता है तो हम क्या करते हैं, साइन और साइन हटा देंगे, तो I1 वन अपॉन आर वन इक्वल टू म्यू। तो I1 आपका क्या निकल गया, R1 वन इंटू म्यू। और इसी तरह यदि हम बोले क्या I2 और R2 रखना है तो क्या होगा, इसी तरह सेम टू सेम, सेम फेस से यदि हम चलें तो सेम फेस से हो जाएगा I2 टू इक्वल टू आर टू इंटू म्यू। तो यहाँ पर देखें I1 और I2 का एक वैल्यू निकला, यदि I1 और I2 का एक वैल्यू निकलता है तो क्या हम समीकरण सेकेंड में रख सकते हैं I1 और I2 का वैल्यू, तो आराम से रख सकते हैं। चलिए तो इक्वेशन सेकेंड में तो बोलेंगे पुट वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 किस में, इन इक्वेशन सेकेंड में। तो सेकेंड इक्वेशन अपना बोल रहा है कि डेल्टा इक्वल टू I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू। I1 का वैल्यू है R1 वन इंटू म्यू, उसके बाद I2 का वैल्यू है R2 टू इंटू म्यू, उसके बाद क्या है माइनस ए, ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू आर वन इंटू म्यू प्लस आर टू इंटू म्यू माइनस ए। इसमें से हम म्यू को कॉमन ले सकते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू म्यू को यदि कॉमन लें तो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू माइनस ए। और हम देख रहे हैं कि आर वन प्लस आर टू का वैल्यू होता है ए, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं इस जगह, तो डेल्टा इक्वल टू म्यू इंटू आर वन प्लस आर टू का वैल्यू क्या होता है ए, तो हम यहाँ रख सकते हैं ए माइनस ए। ए को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं चूंकि दोनों टर्म में ए है, यदि हम ए को कॉमन निकाल लेते हैं तो ए इंटू म्यू माइनस वन। यह जो आपका निकला डेल का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू, यह होता है प्रिज्म में कितना डेविएशन एंगल होता है। इसको हम लिख भी सकते हैं डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल ऑफ ए प्रिज्म। चलिए तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रिज्म से डेविएशन एंगल निकला है वो निकला है डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशन होता है जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए
चलिए, तो अभी हम एक एक्सप्रेशन जो देखे हैं वो है डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। अब हम निकालते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम चलेंगे स्नेल के नियम से, बोलेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, और स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू। लेकिन अब है क्या, आई और आर इसका एक वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। तो कुछ देर पहले हम निकाले हुए हैं आई वन इक्वल टू आर वन इंटू म्यू, उसके बाद निकाले हुए आई टू इक्वल टू आर टू इंटू म्यू, उसके बाद निकाले हुए हैं ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ये चार एक्सप्रेशन हम देखे हुए हैं इसमें, ये चार एक्सप्रेशन। तो अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे कि इसका क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जब भी किसी प्रिज्म से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो हम लोग अभी डायग्राम में भले हम देख रहे हैं कि एंगल बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअल में यदि आप देखेंगे तो एंगल बहुत छोटा छोटा एंगल होता है, बहुत छोटा एंगल होता है। तो यह जो वैल्यू निकलता है मिनिमम डेविएशन के लिए निकलता है, या कोई मैक्सिमम डेविएशन के लिए नहीं निकलता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो जाता है फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए आपका जो वैल्यू होगा आई इक्वल टू आई वन और आई टू, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। और यदि आपका आर है तो वह बराबर होगा आर वन, और आर वन बराबर हो जाएगा आर टू के लिए। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ इस एक्सप्रेशन में आर वन और आर टू है उसके जगह हम आर रख सकते हैं, और जहाँ जहाँ आई वन और आई टू है तो वहाँ पर हम आई रख सकते हैं। अभी अपने पास एक एक्सप्रेशन है ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इसके यदि जगह यदि आर रखें तो ए इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर, तो ए इक्वल टू टू आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाय टू, ए बाय टू। तो यह आपका निकला आर का वैल्यू। लेकिन अब आई का भी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो एक एक्सप्रेशन देखें, अभी आप थोड़ा देर पहले देखे हुए हैं डेल्टा इक्वल टू एक एक्सप्रेशन हुआ था आई वन प्लस आई टू माइनस ए। यदि इस एक्सप्रेशन को वहाँ से उठा लें तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू आई वन और आई टू के जगह रखेंगे आई, तो आई प्लस आई माइनस ए, तो डेल्टा इक्वल टू टू आई माइनस ए। ए को यदि इस पार करें तो डेल्टा प्लस ए इक्वल टू टू आई, तो आई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए बाय टू। जो आपके बुक में जो सवाल होता है वहाँ पे डेल्टा में मिनिमम का एक्सप्रेशन लगा देता है, तो हम यहाँ पे एक स्मॉल एम पुट कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम डेविएशन के लिए है। यहाँ पर जैसे हम आई वन और आई टू का मान रखें आई, तो यहाँ पर एम लगा देते हैं। तो हमको मिला आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाय टू। तो यहाँ पर हम आर का भी वैल्यू निकाल लिए और आई का भी वैल्यू निकाल लिए, तो हम स्नेल के नियम में इसमें आराम से रख सकते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, साइन आई, आई का वैल्यू हम देखें डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू, और आर का वैल्यू क्या देखिए साइन ए बाय टू इक्वल टू म्यू। तो यह रहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे दो एक्सप्रेशन ध्यान में रखना पड़ेगा, एक यह और एक डेविएशन के लिए डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। तो इस पे हम लोग आगे चल करके और भी सवाल देखेंगे। उसके बाद इस सवाल के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रुपिंग ऑफ प्रिज्म, ग्रुपिंग ऑफ प्रिज्म क्या होता है। चूँकि आप जान रहे हैं कि प्रिज्म में जो
वाइट लाइट गुजरती है, प्रिज्म से जो वाइट लाइट गुजरती है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसके बारे में सवाल है। उसके बाद ग्रुपिंग में जो आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, और सेकेंड सवाल पढ़ना पड़ेगा डिस्पर्स